हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूं। तो जिसे बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी अगर इस तरीके से एक बार बैंगन की सब्ज़ी बना लेंगे तो बार बार यही तरीका अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं आधे केजी बैंगन और इसका डंठल काट कर हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं कद्दूकस और कद्दूकस की मदद से हम अपने बैंगन को कद्दूकस कर लेते हैं। और मैं मोटे साइड से कद्दूकस कर रही हूँ ताकि थोड़ा बैंगन के लच्छे बड़े बड़े आए। तो ऐसे हम अपने सारे बैंगन को कद्दूकस कर लिए और यहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लच्छे आए हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए आगे मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं एक चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच जीरा मिर्च, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटे चम्मच से आधे चम्मच गरम मसाला और ये कसूरी मेथी। अब इसे हम पानी डालकर एक घोल बना लेते हैं और घोल बनाकर स्मूथ घोल ही बनाएंगे और घोल बनाकर हम इसे रख देते हैं। और आगे चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस ऑन कर लिए और एक कढ़ाई लिए जिसमें हम दो चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया और ये मैं पचफोरन ली हूँ, आधे चम्मच में डाल देती हूँ। अब ये हमारा चटक रहा है तब यहाँ पे हम 6-7 लहसुन की कलियाँ को बीच से दो भाग में कट कर ली हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ और 1 से 1.5 मिनट में ऑयल में इसको पका लेती हूँ। यहाँ पे 1.5 मिनट हो गया, लहसुन 1.5 मिनट ऑयल में पक चुका है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। हम एक ऑनियन लिए हैं, बारीक चॉप कर लिए हैं और इसमें हम डाल देते हैं और इसे 2 मिनट हम कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। हाँ, ऑनियन को हल्का ब्राउन होने तक हम इसमें भून लेते हैं। तो देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रेश मटर रखे हैं, हम इसमें फ्रेश मटर डाल देते हैं और इसे हम 1-2 मिनट भून लेती हूँ। 1-2 मिनट भून लेने से इसमें का जो कचापन है वो ख़त्म हो जाएगा, इसमें सोनापन आ जाएगा। तो देखिए अब मटर हमारा सॉफ्ट होने लगा है। अब यहाँ पे हम जो मसाले का पेस्ट बना कर रखे हैं वो मसाले का पेस्ट हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम बढ़िया से मसाले को मिक्स करते हुए 2 मिनट भून लेते हैं। तो यहाँ 2 मिनट मसाले को भूनने के बाद हम 2 टमाटर को रफली चॉप करके रखे हैं हम इसमें डाल देते हैं और आप देख सकते हैं मसाले में से अब ऑयल छोड़ने लगा है और टमाटर को हम इसमें मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और नमक डालकर हम 5 मिनट मसाले को भून लेते हैं। तो देखिए हमारे मसाले में से ऑयल छोड़ने लगा, कितना कलर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे जो बैंगन को कद्दूकस करके रखे हैं वो इसमें अब हम डाल देते हैं। तो 2-3 मिनट अब हम सब्जी को मसाले में मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो ऐसे ही मिक्स करते हुए हम 2-3 मिनट भून लेते हैं और सब्जी को भूनते भूनते ही हमें पकाना है क्योंकि इसमें पानी जरा सा भी नहीं डालना है। मसाले के साथ ही ये सब्जी पक जाएगा और बहुत ही कम समय में सब्जी पक जाता है क्योंकि ये तो बारीक चॉप किया हुआ है। तो देखिए अभी से ही कलर सब्जी का चेंज होने लगा और 2-3 मिनट हम भून लिए हैं। अब सब्जी को हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे ढककर पका ली हूँ और सब्जी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा सब्जी लग रहा है, कलर बहुत ही इसका अच्छा आया है और ये सब्जी देखने में जितना अच्छा लगता है उससे कई गुना का ज़्यादा खाने में ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर आप भी इस तरह से सब्ज़ी बनाइए, एक बार बना लेंगे तो बार बार आप यही तरीका अपनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के लाजवाब रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट करें। थैंक यू।